फिर वॉकआउट कर गया तो ये आराम से बैठे। मैं बुला लेता हूँ जाके, ये कौन सी बात है? अगर वॉकआउट कर गया तो ये आराम से बैठे। मैं बुला लेता हूँ जाके, ये कौन सी बात है? भाजपा सरकार को बने 2 महीने हो चुके हैं, जिसको लेकर अभी तक कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सहयोगी दल जेजेपी के रामकुमार गौतम द्वारा अपने ही नेता दुष्यंत चौटाला पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाना, वहीं समर्थित विधायक बलराज कुंडू द्वारा वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री पर आरोप लगाना, वहीं साथ के साथ एक और ताज़ा उदाहरण जींद में भाजपा विधायक डॉक्टर किशन मिड्डा के प्रोटोकॉल की अवहेलना करना। आपको बता दें, जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर किशन मिड्डा के प्रोटोकॉल की अवहेलना को दिग्विजय चौटाला की हार से जोड़कर देखा जा रहा है। विगत दिवस श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक जींद कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए जींद पहुँचे थे। सभागार में व्यवस्था के मुताबिक स्थानीय विधायक डॉक्टर मिड्डा की पहली कतार में प्रशासन द्वारा कुर्सी नहीं लगाई गई थी। जाहिर है, अव्यवस्था से कुछ दूर ठिठके खड़े रहे विधायक पर्याप्त तवज्जो न मिलती देखकर सभागार से वॉकआउट कर बाहर चले गए। उधर उनके वॉकआउट करते ही जींद के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभागार छोड़ने का बकायदा ऐलान कर दिया। जाहिर है, मीडिया के सामने चल रहे नाटकीय घटनाक्रम से श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक असहज हो उठे। देखिए पूरा मामला क्या है, हम आपको पहले ये दिखाते हैं। इसलिए ये तो इसलिए कि वो मेरा विधायक चला गया, वी आर वर्किंग ऑन अंडर प्रोटेक्ट। मैं ले आऊं तो जाके वो आपका बटपन तो मैं जरा मैं आपसे कमाल है। मैं क्या सोचा, ऐसा कोई मामला नहीं था, कुर्सी पे ना मिलने वाला तो कोई मामला था नहीं। अमूमन कई बार ऐसा होता है, एक साइड डी साहब बैठ जाते, एक साइड एस पी साहब बैठ जाते, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक घंटे से लगभग यहाँ पे बैठे थे आपके इंतजार में, आपके आने के बाद एसीसी साहब एसीपी साहब ने उनकी कुर्सी पे बैठ गए, जिस वजह से उनको कुर्सी न मिली, पीछे छोटी कुर्सी ले उस वजह से बाहर जाने का कारण बताया। मैं आपको कह रहा हूँ ऐसा कोई मामला नहीं है। सर वीडियो हमारे पास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वीडियो, उसमें वीडियो में विधायक जी आपको कुछ नहीं कह के गए। मंत्री जी वो सिर्फ उठ के बाहर गए थे, और बाहर गए थे मैंने उनसे पूछा बाहर का फोन करके, भाई जी मैं काम जा रहा हूँ पिंडारा पहुँच गया, मैंने आप आओ जरूरी है, क्योंकि मामला ऐसा हो गया था उनका आना जरूरी था। उन्होंने वॉकआउट कर भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास में कहा कि वे स्वयं विधायक को मना कर लाएंगे। नतीजतन बैठक के बीच में छोड़ते ही राज्य मंत्री अनूप धानक स्थानीय विधायक डॉक्टर मिड्डा को मना कर ले आए। हालांकि मान मनोवल से बिगड़ती बात तो सुधर गई, लेकिन तब तक इस नाटकीय घटनाक्रम का प्रसारण जन जन तक पहुंच गया था। हालांकि यह चूक साफ तौर पर प्रशासन के विफल प्रबंधन की मानी जा रही है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि स्थानीय विधायक कृष्ण मिड्डा को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि विगत उपचुनाव में दिग्विजय चौटाला डॉक्टर मिड्डा से चुनाव हार गए थे। हालांकि सियासी कारणों के आलोक में इस मुद्दे को हवा दी जाने लगी है। उधर भाजपा विधायक को उचित सम्मान न दिए जाने की जिला प्रशासन अपनी चूक मान चुका है, लेकिन इस घटनाक्रम से भाजपा जजपा में सहज रिश्तों में पड़ी गांठ साफ साफ तौर पर देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सदैव समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ती आई है, और आगे भी जनलोक व जनहित में लोगों की लड़ाई लड़ने में प्रयासरत है। यदि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से, क्योंकि भविष्य में राष्ट्र व प्रदेश के हितों में एकमात्र बड़ा संगठन विकल्प राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है। हमारे इस संगठन से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, ताकि हम सब मिलकर भविष्य में लोगों के हित के लिए और भी मजबूती के साथ काम कर सके, क्योंकि अब राजनीति नहीं चलेगी, समाज नीति।